Hi all and welcome to Shane Games. Thanks for that awesome response जो आपने हिगुराशी वाली videos को दिया है. So आज की ये video है based on a very special anime Shiki. Shiki की IMDb rating है 7.7 out of 10 जो कि बहुत ही huge है. So full of emotions, drama and psycho thriller वाली ये series आपको बहुत ही ज़्यादा deep thinking पर ले जाएगी. Stay with me till the end. तो अब बकवास करते हैं बंद and let's roll the intro. शीकी की कहानी एक छोटे से गांव सोतोवा में शुरू होती है जो कि शहर से काफी कटा हुआ रहता था. यहाँ काफी शांति थी और सारे गांव वाले एक दूसरे की हेल्प करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे. इस गांव को पास के शहर से कनेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही रास्ता था. इस पॉइंट को याद रखना, UPSC में आ सकता है बॉस. खैर, अब हमें इस गांव में एक सेक्सी सी लड़की मेगुमी दिखाई पड़ती है. ये लड़की काफी स्टाइलिश थी और इसका बस एक ही ड्रीम था, बड़े होकर बड़ी सी सिटी में जाकर मॉडल बनने का. पर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे. मेगुमी की एक बचपन की दोस्त थी काओरी, जिसको मेगुमी कुछ खास पसंद नहीं करती थी. इस पूरे गाँव में मेगुमी को सिर्फ दो चीजें ही अट्रैक्ट करती थी. पहली, हिल साइड पर बना हुआ वो बड़ा सा बंगला और शहर से शिफ्ट होकर आया हुआ उसकी क्लास में वो स्मार्ट लड़का नात्सुनो. मेगुमी अक्सर रात को नात्सुनो की खिड़की के पास जाकर उसको स्टॉक करती थी, जिसकी वजह से नात्सुनो परेशान रहता था और वो अपनी विंडो को बंद कर दिया करता था. इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि पुलिस एक घर में आई हुई थी. ये घर गाँव से थोड़ी दूरी पर था और यहाँ दो बुजुर्गों की लाशें पड़ी हुई थी. गाँव के डॉक्टर तोशियो इन बॉडीज को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि इन लोगों को समर कोल्ड नाम की एक बीमारी हुई थी, पर ये लोग बुजुर्ग थे इसलिए मारे गए. तो समर कोल्ड एज द नेम सजेस्ट बस गर्मियों में होने वाला एक जुकाम और बुखार होता है. अगली रात को हम देखते हैं कि एक ट्रक काफी स्पीड से इस गांव की तरफ आ रहा था. ट्रक पर मूवर्स लिखा था, यानी कोई घर शिफ्ट कर रहा था. अगली सुबह खबर मिलती है कि हिल पर बने हुए उस बड़े से बंगलों में फाइनली लोग आ गए हैं एंड इन्होंने रात को गांव में शिफ्ट किया था. मेगुमी एक्साइट हो जाती है और इस बंगलों की तरफ जाने लगती है. मेगुमी जब देर रात तक वापस नहीं आती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं और पूरा गांव उसको ढूंढने लग जाता है. देर रात मेगुमी झाड़ियों में बेहोश पड़ी हुई मिलती है. जब गाँव के डॉक्टर उसको देखने आते हैं तो वो बताते हैं कि मेगुमी को तो एनीमिया यानी खून की कमी हुई है. तो इसके अगले ही दिन खबर मिलती है कि मेगुमी तो चल बसी. मेगुमी की डेथ के बाद जब डॉक्टर तोशियो आते हैं तो उनको मेगुमी की डेथ पर शक होता है और वो लाश की ऑटोप्सी करवाना चाहते हैं, जिसके लिए मेगुमी के पेरेंट्स राजी नहीं होते. अब हमारे डॉक्टर तोशियो गांव के जूनियर मंक और अपने दोस्त सेशिन और टाउन हॉल के एक मेंबर के साथ में टाउन हॉल में बैठकर बातें कर रहे होते थे, जहां तोशियो बताता है कि उसको शक है कि शायद गांव में कोई पेंडेमिक या एपिडेमिक फैल रहा है जिससे लोगों की मौत हो रही है. पर फुल इन्वेस्टिगेशन किए बिना तोशियो कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता. इसके बाद गांव का एक और आदमी याओ भी सेम शिकायतों के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जिसके बाद डॉक्टर तोशियो कसम खाते हैं कि वो इसकी जड़ तक जरूर जाएंगे और पूरे गांव को इससे बचाएंगे. इसके बाद अगला नंबर आता है डॉक्टर तोशियो के स्कूल फ्रेंड की वाइफ नाओ का. इसकी भी तबीयत खराब थी और वो डॉक्टर तोशियो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं. तोशियो को पता होता है कि नाओ नहीं बच पाएगी, पर अपने दोस्त को दिलासा देकर वो आराम करने के लिए घर भेज देते हैं. उधर जूनियर मंक सेशिन को हम देख पाते हैं, जो कि पार्ट टाइम नोवेल राइटर थे और आजकल अपने एक नोवेल शीकी द अनडेड पर काम कर रहे थे, जिसमें जो मेन कैरेक्टर था वो मरने के बाद भी मरा नहीं होता. इसी बीच एक रात सेशिन की मुलाकात उस बड़े हवेली वालों की बेटी सुनाको से होती है, जो कि सेशिन के नोवेल की बहुत बड़ी फैन थी और उसने सेशिन के सारे नोवेल्स पढ़ रखे थे. इसके बाद हम अगली सुबह नात्सुनो को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था और रास्ते में इसकी मुलाकात मासाओ नाम के एक लड़के से हो जाती है. मासाओ नात्सुनो से नफरत करता था और काफी अजीब किस्म का बच्चा था.
इसके अपने घर वालों से भी कुछ खास बनती नहीं थी और यह हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करता रहता था। अगली सुबह नाओ की डेथ की खबर देने के लिए मासाओ अपने दोस्तों के घर जाता है तो वहाँ नात्सुनो को देखकर उससे लड़ने पहुँच जाता है। देन टोरू उसको वहाँ से भगा देता है। वो बाहर सोडा लेने जाता है और उसको नए बंगलों में वर्क करने वाला तात्सुमि मिलता है। नाउ इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनना, कॉज यहाँ से कहानी बदलने वाली है। मासाओ तात्सुमि को अपने दोस्त के घर बुला लेता है तो तात्सुमि जो है उसको परमिशन मांगता है कि क्या वो अपने एक दोस्त को साथ ला सकता है, तो मासाओ उसको हाँ बोल देता है। इसके बाद अगली सुबह फिर से गांव में हलचल होने लगती है। डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर और जूनियर मंक सबके पास खबर जाती है कि ऊटा और टाकामी नाम के दो और लोगों की मौत हो गई है। इन सब को मिलाकर सेशिन की लिस्ट में मौतों का आंकड़ा 12 पहुंच चुका था। उधर नात्सुनो को हर रात ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी खिड़की पर झांक रहा हो, पर मेगुमी तो ऑलरेडी मारी जा चुकी थी और इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था। हर ढलते दिन के साथ गाँव में मौतों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी और साथ बढ़ रही थी नात्सुनो की बेचैनी। अब नात्सुनो को मेगुमी के सपने आने लगे थे और उसको लगता था जैसे मेगुमी उसके ऊपर बैठी हुई हो। नात्सुनो रोज रात को जागने लगा था, इसलिए वो टोरू से पूछ रहा है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो एक रात टोरू के घर पे रुक सकता है। बट यहाँ भी रात को नात्सुनो को ऐसा फील होता है जैसे मेगुमी और तात्सुमि वहाँ आए हुए हैं और मेगुमी के अचानक से पहने तेज फैंग्स या फिर दांत निकल आए हैं और वो टोरू को काट देती है। पर जब नात्सुनो उठता है तो वहाँ कोई नहीं था। नात्सुनो वापस सो जाता है। उधर गांव में अब भी मौतों का जो सिलसिला था वो बढ़ा ही जा रहा था, चला ही जा रहा था। गांव के दो बुजुर्ग औरतों को हम बात करते हुए सुन पाते हैं कि पिछले दिन जिस ताकामि की डेथ हुई थी उसके घर वालों ने रातों रात गांव खाली कर दिया था। ऐसे ही दो और फैमिलीज ने भी रातों रात अपने घर खाली कर दिए थे। इन सब में स्ट्रेंज बात ये थी कि ये लोग रात को ही घर खाली कर रहे थे और जिस मूवर्स ट्रक में ये लोग अपना सामान ले जा रहे थे वो थी तात्सुमि का ट्रक। उधर सेशिन और डॉक्टर तोशियो अपने अपने इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। जहां डॉक्टर तोशियो मेडिकल एडवाइसेस के थ्रू सब हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जूनियर मंक सेशिन मारे गए सभी लोगों के घर वालों से मिलते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि ये सभी लोग मरने से पहले अपने अपने जॉब्स छोड़ चुके थे। अब सेशिन गांव में एक स्टोर चलाने वाले बुजुर्ग बॉडी बिल्डर ओकावा के शॉप पे पहुंचते हैं, जहां ओकावा अपने बेटे को पीट रहे होते थे कि तभी उनको एक कॉल आती है जहां उनके एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी एंड उसके बेटी की डेथ हो चुकी थी। यानी गाँव में एक के बाद एक मौतों का सिलसिला और बढ़ता जा रहा था। इधर नात्सुनो जब टोरू के घर पहुंचता है तो खबर मिलती है कि टोरू की तो मौत हो चुकी। यानी क्या उस रात जो सपना नात्सुनो ने देखा था वो सच था? नात्सुनो घर पहुंचता है और मेगुमी का दिया हुआ पोस्ट कार्ड फाड़ कर अपनी विंडो से बाहर फेंक देता है। अगली सुबह उन टुकड़ों पर आंसुओं के धब्बे गिरे हुए देखकर नात्सुनो कंफर्म हो जाता है कि मेगुमी शायद सच में अभी भी जिंदा है। इसके साथ ही नात्सुनो कसम खाता है कि अगर वो जिंदा है और वो नात्सुनो को मारने की कोशिश कर रही है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाला। इधर डॉक्टर तोशियो को हॉस्पिटल में एक के बाद एक मरीज आते ही जा रहे थे। डॉक्टर किसी को भी बचाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्होंने सेशिन को ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए डांट दिया, जिससे सेशिन भी नाराज हो जाता है और वो रात को अपने सीक्रेट हाइड आउट जो कि एक पुराना टेम्पल था वहां जाता है। रास्ते में उसको वापस से वो बड़े वाले बंगलों की बेटी सुनाको मिलती है, जिसको सेशिन वॉर्न करते हैं कि गांव में शायद एक भयानक सी बीमारी फैली हुई है तो सुनाको को बच के रहना चाहिए और उसको रात को ऐसे नहीं भटकना चाहिए। पर सुनाको उसको बताती है कि वो ऑलरेडी एक बीमारी से जूझ रही है जिसमें वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो सिर्फ रात को ही बाहर निकलती है। गॉड हैड ऑलरेडी मेड हर फॉरसेकन, ऑलरेडी वो आधी जिंदगी ही जी सकती है और वो अपनी इस नाइट फ्रीडम को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इसके बाद सीन कट होता है और हम मासाओ को देख पाते हैं, जो कि अपनी अजीब से बिहेवियर की वजह से अब भी अकेला हो चुका था। ना उसके कोई दोस्त थे और ना ही उसके घर वाले उससे
बात करना चाहते थे, पर मासाओ तो सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहता था। पर किसी को मासाओ की कदर ही नहीं थी। अगली सुबह मासाओ की डेथ हो जाती है और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिजी थे। उधर नात्सुनो एक रात टोरू के भाई के पास जाता है वैम्पायर वीडियो लेकर, ताकि दोनों थोड़ा सा एंजॉय कर सके। पर टोरू का भाई बताता है कि गांव में एक लेजेंड काफी फेमस है। लेजेंड है ओकियागारी का। ओकियागारी यानी राइज ऑफ द डेड। नात्सुनो अब इस राइज ऑफ द डेड या फिर वैम्पायर्स पर रिसर्च करने लगता है। रास्ते में उसको एक दिन तोशियो मिलते हैं, जिससे वो पूछता है कि क्या सच में मेगुमी मारी गई थी, जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, मेगुमी के पल्सेस ऑफ हो चुके थे और उन्होंने खुद मेगुमी को दफनाया था। इसके बाद नात्सुनो पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन एनी वे मेगुमी अब भी जिंदा रह गई हो। इस पर डॉक्टर हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर वो वैम्पायरों की कहानियों में ऐसा होता है भाई, असलियत में नहीं। नेक्स्ट एपिसोड में हम मेगुमी के दोस्त काओरी और उसके भाई अकीरा को देखते हैं, जो कि उस बड़े से हिलसाइड वाले बंगलों पर स्पाई कर रहे थे। इन दोनों को नात्सुनो देख लेता है और उनको उस बंगलों के आसपास भी ना भटकने की हिदायत दे देता है। अकीरा बताता है कि उसने एक रात गांव के बुजुर्ग लाइब्रेरियन, जो कि अब मारा जा चुका था, उसको इस बंगलों के अंदर घुसते हुए देखा था। ये सुनकर नात्सुनो बोलता है कि उसको भी गड़बड़ लगती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले दिन ये लोग जाकर मेगुमी की कब्र को खोदकर उसको चेक करेंगे कि मेगुमी की लाश वहां है या नहीं। एंड ये लोग अगली सुबह ऐसा ही करते हैं, पर कब्र खोदते खोदते शाम हो जाती है। बट गेस व्हाट, उन लोगों को वहां सच में मेगुमी की बॉडी नहीं मिलती, बट इनको वहाँ एक वैम्पायर ज़रूर मिल जाता है, जो कि इन पर अटैक करने वाला था कि ये लोग उसको घायल कर देते हैं। यानी अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि इस गांव में कोई बीमारी नहीं फैल रही थी, बल्कि वैम्पायर्स फैल रहे थे। उधर हम मासाओ को अपनी कब्र से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसको तात्सुमी बाहर निकालता है और उसको बताता है कि वो कितना लकी है, क्योंकि 10 में से सिर्फ एक इंसान ही वैम्पायर बनता है और बाकी के 9 लोग हमेशा हमेशा के लिए मारे जाते हैं। उधर सेशिन को ये पता चलता है कि गांव का काउंसिल जो है वो कई दिनों से गायब था और वो गांव के जो डेथ रिकॉर्ड्स थे वो अपने साथ चोरी करके ले गया था। यहां हम जान पाते हैं कि अब डॉक्टर तोशियो भी अपने इन्वेस्टिगेशन और हर विक्टिम की बॉडी पर वो जो दो दांतों के निशान थे उनको देखकर वैम्पायर वाले कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने लगे थे। अब बस उनको ये प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए था। एंड अगली ही रात को तोशियो को ये मौका भी मिल जाता है, जब उनके हॉस्पिटल में एक बीमार हुई ओल्ड लेडी आती है, तो तोशियो उसके हस्बैंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद तोशियो उस ओल्ड लेडी को एक 3 मंजिल ऊपर बिल्कुल ही क्लोज्ड से रूम में रखते हैं और रात भर उसके रूम के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट, वहां इस ओल्ड लेडी की मरी हुई बेटी आ जाती है रात को उसका खून पीने के लिए, तो डॉक्टर तोशियो उसको भगा देते हैं। पर जल्द ही वैम्पायर्स की एक पूरी टीम पूरे हॉस्पिटल को घेर लेती है और इस ओल्ड लेडी को लेकर चली जाती है। इस पॉइंट पर सेशिन को सुनाको पर शक होने लगता है कि शायद सुनाको भी एक वैम्पायर है। एंड एक पॉइंट और, यहाँ हमें इन वैम्पायर्स के बारे में एक चीज पता चलती है कि ये वैम्पायर्स तब तक एक घर में नहीं घुस सकते जब तक उस घर के अंदर रह रहा कोई इंसान इनको आने की परमिशन ना दे दे। इसके बाद हम नात्सुनो के घर पे एक अजीब सी लड़की को देख पाते हैं, जो कि उसके रूम में जाने के लिए उसके पेरेंट्स से लड़ रही होती थी, और फाइनली उसके पेरेंट्स उसे नात्सुनो के रूम में जाने की परमिशन दे देते हैं। असल में ये लड़की भी एक वैम्पायर थी, जिसको तात्सुमी ने नात्सुनो को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि नात्सुनो को सब पता चल गया था। बट टू हिज वेरी सरप्राइज, नात्सुनो को मारने के लिए वहां आ जाता है टोरू। टोरू के अंदर आज भी इंसानियत थी और वो नात्सुनो पर अटैक नहीं करना चाहता था, पर गेस व्हाट, वहां आ जाते हैं मेगुमी और तात्सुमी। सो टोरू नात्सुनो पर अटैक कर देता है। अगले दिन नात्सुनो काओरी और उसके भाई अकीरा के पास जाता है और उनको हिदायत देता है कि वो ये शहर छोड़कर चले जाएं, और अगली बार जब भी नात्सुनो दिखे वो उसके आसपास भी ना भटके, बिकॉज हो सकता है कि नात्सुनो अब पूरी तरीके से वैम्पायर बन गया हो, या फिर हो सकता है कि नात्सुनो मारा जाए। इसके कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, नात्सुनो मारा जाता है। उसकी मदर गांव छोड़ के चली जाती है और उसके फादर
काफी बीमार दिखाई पड़ते हैं। सो इसके साथ ही शी की पार्ट वन होती है यहीं पे खत्म। इसके आगे की स्टोरी मैं इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रही क्योंकि यहाँ से जो प्लॉट ट्विस्ट आता है वो बहुत ही डीप है, इमोशनल कनेक्शन बहुत ज्यादा है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली मुझे एक लंबा टाइम चाहिए। सो मैं विद इन 2 or 3 days नेक्स्ट एपिसोड भी ड्रॉप कर दूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है विद इन 2 or 3 days तो विद इन अ वीक नेक्स्ट संडे तक तो जरूर अपलोड हो जाएगी यार, इतना तो भरोसा रखो। एंड ऑफकोर्स वो जो बेल आइकन है उसके साथ में जो सब्सक्राइब बटन है एंड यू नो लाइक भी होती है, नीचे कमेंट भी आता है, प्लीज कर दो यार, कर दो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। सब्सक्राइबर जब इंक्रीज होते हैं तो मन करता है और एनिमे देख के और एक्सप्लेनेशन लाने का। सो या बाय।